हेलो एवरीवन आज हम फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट लेंगे दैट इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड स्टार ट्रेडिंग हाउसेस तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती हैं इस ऑडियो लेक्चर के अंदर हम uh, इसको डिस्कस आउट करेंगे और इसके साथ ही जो इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है दैट इज़ टू थाउजेंड नाइन टू फोर्टीन इसके बारे में भी हम समझेंगे कि ये क्या थी इसके क्या क्या प्रोविज़न थे इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे कौन कौन से ऐसे एरियाज़ थे जिनको इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया गया था तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ़ोरन ट्रेड पॉलिसी होती क्या है वट डू यू मीन बाई फॉरन ट्रेड पॉलिसी फॉरन ट्रेड पॉलिसी इज़ असेंशली अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो इसके अंदर अगर हम फॉरन ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो इसके अंदर वो गाइडलाइंस आ होती हैं इंक्लूड होती हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए ज़रूरी होते हैं मतलब अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं कौन से ऐसे रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं जो हमें फ़ॉलो करने पड़ेंगे तो इसको हम एक्जिम पॉलिसी भी बोलते हैं एंड इट्स आल्सो नोन एज कमर्शियल पॉलिसी तो ये बनाई किसके थ्रू जाती हैं दिस इज एस्टैब्लिश बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डी जी एफ टी को बनाता है द गवर्निंग बॉडी फॉर द प्रमोशन एंड फैसिलिटेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट है मतलब कुछ पॉलिसीज स्ट्रैटीज़ वगैरह होती हैं गवर्नमेंट की जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और इम्पोर्ट को रेगुलेट करने के लिए फॉलो किए जाते हैं पहले ही एक्जिम पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इस पॉलिसी को टाइम टू टाइम इसको रिव्यू किया जाता है आ, क्योंकि जो चेंजिंग सरकमस्टांस होती हैं तो उनमें भी काफ़ी सारे एडिशंस की रिक्वायरमेंट होती हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को रेगुलेट करती हैं एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को किसी और कंट्री में सेल आउट कर रहे हैं दैट इज़ एक्सपोर्ट and if we आर buying गुड्स एंड सर्विसेज़ from अदर कंट्री दिस इज़ known as इम्पोर्ट तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में अगर हम आज के एरिया की बात करें तो कोई भी ऐसी इकॉनमी नहीं है जो बाकी वर्ल्ड से हटकर, मतलब एक कटी रहे या कटकर अपना वो बिजनेस को चलाए, अपनी इकॉनमी को चलाए तो अगर एक डेवलप्ड इकॉनमी की हम बात करें या डिवेल्पिंग इकोनॉमी की बात करें तो उनके इकनॉमिक डिवलपमेंट में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है अब तो बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ग्रो हो गया है जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मोनिट्री फंड है और इससे क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड ट्रेड है इन सब की वजह से अंक टैड है एशियन है साक वगैरह है वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से रिलेटेड तो अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया को भी कैपिटल गुड्स को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है और पेमेंट करने के लिए जो इम्पोर्ट हमने किया है तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना पड़ता है तो दोनों के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करके रखने की ज़रूरत होती है अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट कम है तो इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेब में नहीं रहता है और हमें फ़ॉरन डेप्ट को पे करने के लिए फ़ॉरन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल तो एक्सपोर्ट को बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को कई तरह के इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं तो गवर्नमेंट इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वगैरह कर देती है इम्पोर्ट कोटा को डिटरमाइन कर दिया जाता है ताकि इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए लिबरल एक्सपोर्ट पॉलिसी लिबरल इम्पोर्ट पॉलिसी इनको प्रमोट किया जाता है तो ये जो सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं दे आर टेकन अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अब इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज द मैंडेट टू मेक इंडिया अ मेजर प्लेयर इन ग्लोबल ट्रेड एंड अज्यूम ए रोल ऑफ लीडरशिप इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस विद ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशम्पोर्टेंस The department desire commodities and country specific strategy in the medium term and strategic plan vision and India's foreign trade policy in the long run. to jo department of commerce होता है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है ग्लोबल ट्रेड पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया डब्ल्यू और आई का ओरिजिनल मेम्बर है तो इसकी वजह से तो फॉरन ट्रेड को प्रमोट करना भी इंडिया के लिए ज़रूरी हो जाता है तो इंडिया उसके लिए फ़ोरन ट्रेड पॉलिसी बनाता है इंडियाज़ फॉरन ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड स्ट्रैटी फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड ट्रेड इट इज़ पीरियोडिकली रिव्यूड टू अडाप्ट चेंजेस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीनारी तो बार बार इसको रिव्यू किया जाता है कि जो भी हमारा डोमेस्टिक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है हमारा जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली इसको अडाप्टेबल होना जरूरी है इसके अलावा डिपार्टमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीलेट्रल एंड बाइलेक्ट्रल कमर्शियल रिलेशन स्पेशल इकनॉमिक जोन दीज आर इस्टेब्लिश स्टेट ट्रेडिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ट्रेड फैसिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सर्टेन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एंड कॉमोडिटीज तो इन सब को डेवलप करने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की हैं अब हम बात करेंगे इंडिया की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी 2009-14 मतलब जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इंडिया की 2009-14 इट्स आल्सो नोन एज कमर्शियल पॉलिसी तो यूनियन कमर्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये हर पाँच साल के बाद इसको अनाउंस करती हैं इसको हम एग्जिम पॉलिसी भी बोलते हैं पॉलिसी वैसे हर एक साल में अपडेटेड होती हैं उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं कई नई स्कीम्स को उसके अंदर ऐड किया जाता है स्कीम फिनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे से इफेक्ट में आती हैं लाइक फर्स्ट अप्रैल हर साल तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जो टू थाउजेंड नाइन नाइन फोर्टीन के लिए जो पॉलिसी थी उसको अनाउंस किया गया था ट्वेंटी अगस्त टू थाउजेंड नाइन को थर्सडे को तो ये जो पॉलिसी थी 2009-14 की जो पॉलिसी थी अगस्त को इस पॉलिसी को अनाउंस किया गया था और यह पॉलिसी ट्वेंटी सेवन 2009 टू थाउजेंड नाइन से लेकर ट्वेंटी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन तक की थी इसमें बेसिकली जो मेन चैलेंज था वो ग्लोबल रिसेशन था पूरे वर्ल्ड के अंदर उस टाइम पर ग्लोबल रिसेशन था तो उसमें से बाहर निकलने की रिक्वायरमेंट थी तो इंडिया ने अपनी ये पॉलिसी बनाई तो इस पॉलिसी के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या थे 2009-14 की पॉलिसी की टू अरेस्ट एंड रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट इज द मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी दिस एम विल बी रिव्यूड आफ्टर टू ईयर तो इसमें जो बेसिक मोटिव था एक्सपोर्ट के ट्रेंड जो कम हो रहा था उसको रिवर्स करना था उसको इंक्रीज करना था मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाना था टू डबल इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2014 14 तक गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को डबल कर देना था टू डबल इंडिया शेयर इन ग्लोबल मर्केंटाइज ट्रेड बाय 2020 थाउजेंड ट्वेंटी एज ए लॉन्ग टर्म एम ऑफ दिस पॉलिसी इंडिया शेयर इन ग्लोबल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट वाज वन पॉइंट फोर फाइव परसेंटेज इन टू थाउजेंड एट तो ग्लोबल मर्केंटाइज के एक्सपोर्ट को भी इनक्रीज़ करना था अलग अलग तरह के बेनिफिट को लेने के लिए जो प्रोसीज़र थी तो उसको simplifi, उसको सिंप्लीफाई करना सिंप्लीफिकेशन इन प्रोसीजर फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट वग़ैरह तो इनमें भी सिंप्लीफिकेशन को का करना बेसिक मोटिव था इसका स्ट्रेटीज एंड पॉलिसी मेजर विच कैटेलाइज द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट मतलब हर वो स्ट्रेटी बनाना हर वो पॉलिसी बनाना जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके तो ये इसके बेसिक मोटिव थे इसके अलावा टू एंकरेज एक्सपोर्ट थ्रू ए मिक्स ऑफ मेजर इंक्लूडिंग फिजिकल इंसेंटिव इंस्टीट्यूशनल चेंजेस प्रोसीजरल रेशनलाइजेशन इफेक्ट फॉर एनहेंस मार्केट एक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सीफाई करना एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के लिए टाउन्स को सेटअप करना फ़ॉरन ट्रेड सेक्टर के के ऊपर से जो कंट्रोल वगैरह थे तो उसको एलिमिनेट करना फ़ॉरन ट्रेड को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मान के चलना इकनॉमिक ग्रोथ के लिए तो ये सारे इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव थे एक्सिंग पॉलिसी टू थाउजेंड नाइन एंड फोर्टीन के अब हम बात करते हैं मेन फीचर्स या जो प्रोविज़न है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009-14 की तो सबसे पहले इसमें जो सबसे पहला प्रोविज़न इंक्लूड किया गया दैट वाज फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को स्टार्टिंग से ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है किसी भी इकोनमी का तो एग्रीकल्चर के अंदर इतना पोटेंशल होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकती हैं और रूरल एरिया को डिवेलप कर सकती हैं तो इस पॉलिसी के अंदर कुछ स्पेशल पैकेज थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अनाउंस किए गए तो वो कौन कौन से पैकेज थे विशेष कृषि उपज एंड ग्राम उद्योग योजना आ, इसका बेसिक मोटिव था एग्रीकल्चरल गुड्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाना जो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट होते थे और जो रूरल इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोडक्ट होते थे तो उनके आ, उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था जो इस प्रोविज़ के अंदर इंक्लूड किया गया इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एग्रीकल्चरल गुड्स के स्टोर करने के लिए पैकेजिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कैपिटल गुड्स थी तो उनको बाहर से इम्पोर्ट करने के लिए एक लिबरलाइज्ड जो इम्पोर्ट था तो उसको प्रमोट किया गया कैपिटल गुड्स मतलब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट करना था एग्री एक्सपोर्ट जोन्स इनको इनका सेटअप किया गया uh, इसको पहले एग्जिम पॉलिसी में इनका ऑलरेडी सेटअप हो चुका था तो इस पॉलिसी में फर्दर इनको स्ट्रॉन्ग करने की बात हुई कई तरह के जो कंसेशंस थे इंसेंटिव वगैरह थे वो एग्री एक्सपोर्ट जोन्स को प्रोवाइड किए गए ये बेसिकली करते क्या हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट जैसे पेस्टिसाइड्स हो सकती हैं सीड हैं प्लांटिंग मटेरियल हो सकता है तो इनके इंपोर्ट को लिबरलाइज करना भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया देन सेकेंड uh, जो एरा uh, इसके अंदर इंक्लूड किया गया फॉरन ट्रेड पॉलिसी 2009-14 में दैट वाज हैंडी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर तो इनको भी कई तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई सबसे पहले तो एम uh, और एम इन स्कीम्स को uh, और ज़्यादा फंड एलोकेट करने की बात हुई एम डी ए मीन्स मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड एम ए आई मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव तो इनको प्रमोट मतलब इनका बेसिक मोटिव था हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना कस्टम ड्यूटी रिलीफ दिए गए कस्टम ड्यूटी रिलीफ जैसे जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को बाहर से मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह को इम्पोर्ट करना था तो उसको कस्टम uh, ड्यूटी से एग्जम्पन प्रोवाइड की गई स्पेशल फोकस प्रोडक्ट स्पेशल फोकस प्रोडक्ट में क्या था कि जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट आइटम थे इनको स्पेशल फोकस प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया गया और इनको स्पेशल फोकस प्रोडक्ट स्कीम के अंदर इनको बेनिफिट दिए गए एक्सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स आइटम इनको जो एक्सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स एंड टॉयज वग़ैरह इनके एक्सपोर्ट को भी प्रमोट किया गया देन स्पेशल कन्सेशन्स इनको प्रोवाइड किए गए स्पेशल कन्सेशन्स दिए गए जो स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर थे जिनका एक्सपोर्ट एक साल के अंदर अंदर पंद्रह करोड़ फिफ्टीन करोड़ या इससे ज़्यादा होता था तो उनको स्पेशल कंसेशन्स दिए जाते थे तो ये हैंडलूम एंड हैंडी सेक्टर को प्रमोट करने का एक प्रोविज़न जो था वो इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया गया इसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री तो इसके लिए भी कई तरह के प्रोविज़न बनाए गए सबसे पहला जो था इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी फ्री इनपुट जैम्स एंड ज्वेलरी के इंपोर्ट को और इसकी जो प्रोसीजर थी उसको ज्यूलरी को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिन इनपुट की रिक्वायरमेंट होती थी तो उनको ड्यूटी फ्री रखा गया जैसे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, रफ जैम्स जो होते थे प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन वगैरह पर्ल्स वगैरह डायमंड्स वगैरह तो इनके इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया गया इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब डायमंड के लिए उसको बनाने के लिए उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स किए गए इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब इसको बनाया गया मतलब इंडिया को एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब की तरह ट्रीट किया गया इंक्रीज इन लिमिट ऑफ पर्सनल कैरियर्स एक्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो पर्सनल कैरियर्स की जो लिमिट थी उसको इंक्रीज कर दिया गया कि ओवरसीज जो एग्जीबिशन वगैरह होते थे तो उनको उनमें जो पार्टिसिपेशन था पहले वो यूएस डॉलर टू मिलियन होता था और इसको इंक्रीज करके यूएस डॉलर फाइव मिलियन तक किया गया इंपोर्ट ऑफ कमर्शियल सैंपल ड्यूटी फ्री कमर्शियल सैंपल ज्वेलरी के पहले जो थे थ्री uh, लाख तक के जो सैंपल थे उनको ड्यूटी फ्री वाली कैटेगरी में इंक्लूड किया गया देन नेक्स्ट uh, जो uh, जो फर्दर जो uh, गुड्स इसके अंदर इंक्लूड की गई थी इनके प्रोविजन में फैसिलिटीज फॉर लेदर गुड्स एंड फुटवेयर फुटवेयर और लैदर गुड्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया सबसे पहला तो उनका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट था कि जितना हम लेदर गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका थ्री परसेंट हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं डेट वाज ड्यूटी फ्री कि एक्सपोर्टर क्या कर सकता था अपने एक्सपोर्ट का थ्री परसेंट बाहर से इंपोर्ट करता था और ये जो इंपोर्ट था वो ड्यूटी uh, से एग्जम्टिड था स्पेशल फोकस प्रोडक्ट लेदर गुड्स को स्पेशल फोकस प्रोडक्ट की कैटेगरी में लिया गया और उनको फोकस प्रोडक्ट स्कीम के अंडर जो बेनिफिट थे वो इनको भी दिए गए फैसिलिटी ऑफ फ्री एक्सपोर्ट जो अनसोल्ड इम्पोर्ट बाहर से किया जाता था इम्पोर्टेड रो हाइट्स था स्किन वगैरह सेमी फिनिश्ड लेदर वगैरह को अगर बाहर से इम्पोर्ट कर लिया जाता था और वो अनसोल्ड रहती थी तो उनको भी एक्सपोर्ट किया जा सकता था मतलब इसके ऊपर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी उनको कम पे करनी पड़ती थी मेगा लेदर क्लस्टर इनको सेटअप किया गया इनका बेसिक मोटिव था लेदर गुड्स लेदर गुड्स और फुटवेयर के एक्सपोर्ट को बढ़ाना था देन नेक्स्ट जो था मराइन सेक्टर को भी काफ़ी तरह के इंसेंटिव दिए गए uh, जैसे सबसे पहला था ई पी सी जी ई पी सी में एग्जम्पटिड फ्राम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो फिशिंग सेक्टर था इसको एक्सपोर्ट ओब्लीगेशन से एग्जम्पन दी गई अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम ई स्कीम में फिश आ, के फिशिंग सेक्टर के लिए आ, एक्सपोर्ट ऑब्लीगेशन से इनको एग्जाम दे दी गई थी कंसेशन ऑफ मेराइन गुड्स मेराइन गुड्स को uh, कई तरह के कंसेशन दिए गए उनको वो सारे कंसेशन दिए गए जो विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना के अंडर कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड किए गए थे नेक्स्ट और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिनके लिए स्पेशल स्कीम्स बनाई गई Uh, जैसे स्पेशल स्कीम फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन विशेष कृषि उपज एंड ग्राम उद्योग योजना इस स्कीम को स्टार्ट किया गया फोकस मार्केट स्कीम थी फोकस मार्केट स्कीम का जो बेसिक मोटिव था इसके पहले ये स्कीम ऑलरेडी टू थाउजेंड फोर नाइन की पॉलिसी में लॉन्च हो चुकी थी इसका जो बेसिक मोटिव था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मतलब इंडियन गुड्स के लिए एक नए इंटरनेशनल मार्केट को सर्च आउट करना था क्योंकि डिवलप नेशन के अंदर हमारी जो डिमांड थी वो हमारे गुड्स की डिमांड कम थी तो उसके लिए उन मार्केट को हमें सर्च आउट करना था 26 नई मार्केट को ऐड किया गया मतलब मार्केट के एरिया को बढ़ाना था फोकस प्रोडक्ट स्कीम के अंदर क्या था पहले जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी तो उसके अंदर जो मेन मोटिव था स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करना था 2019 की पॉलिसी के अंदर कुछ और प्रोडक्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया जैसे पहले इंजीनियरिंग गुड्स जो होती थी सिलाई मशीन क्लॉक्स वॉचेस प्लास्टिक प्रोडक्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जूट के जो प्रोडक्ट थे हैंडलूम हैंडी हैंडीक्राफ्ट लेदर गुड्स इनको पहले इंक्लूड नहीं किया गया था लेकिन बाद में इनको भी इस स्कीम uh, के अंदर इंक्लूड किया गया मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम इसमें दोनों कॉम्बिनेशन था मतलब पहली जो दोनों स्कीम की अभी हमने बात की है मार्केट स्कीम प्लस प्रोडक्ट स्कीम इन दोनों को इंक्लूड करके एक नई स्कीम को ऐड किया गया मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम इसके अलावा सर्ट फ्रॉम इंडिया इंडिया की सर्विसेज को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए गए एक स्पेशल ब्रांड को स्टार्ट किया गया सर्ट फ्रॉम इंडिया इसको प्रमोट किया गया कि एक इंडिविजुअल अपनी जो इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर थे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम से कम एक साल के अंदर पाँच लाख रुपए वो अर्न करते थे वो इस ब्रांड नेम को यूज़ करने के लिए अप्लाई कर सकते थे तो ये ब्रांड नेम उनको दे दिया जाता था और उनका ब्रांड नेम का फ़ायदा उनको मिलता था एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम इस स्कीम के अंदर इनपुट्स uh, को अगर बाहर से इंपोर्ट uh, करना था तो वो ड्यूटी फ्री होते थे उनको मतलब अलाउ किया गया था अगर हम एक्सपोर्ट गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनका यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम थी तो इसमें किसी भी तरह की अथॉरिटी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी किसी भी तरह की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम इसके अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए पासबुक के अंदर कुछ क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया जाता था ये जो क्रेडिट थे ये जो क्रेडिट किया जाता था इनका यूज़ रॉ मटेरियल को कैपिटल गुड्स को बाहर से इम्पोर्ट करने के लिए किया जा सकता था तो जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह पे करनी होती थी तो अमाउंट में से डिडक्ट हो जाती थी तो ये सारे जो प्रोविजन थे वो भी इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किए गए थे स्पेशल स्कीम थी फॉर एक्सपोर्ट मोटिव देन इसके अलावा डेवलपिंग एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की रिक्वायरमेंट थी और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को कई तरह की सपोर्ट उनको दी गई इसका बेसिक मोटिव था नए एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क को इस्टेब्लिश करना जो एग्जिस्टिंग पार्क थे उनको प्रमोट करना उनको कई तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना था नेक्स्ट जो था मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव इस स्कीम के अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए फिनांशियल हेल्प दी गई इन एक्टिविटीज़ के अंदर मार्केट्स को स्टडी करना फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना अदर कंट्रीज़ के जो ब्रांड प्रमोशन थे उनके अंदर पार्टिसिपेट करना डम्पिंग uh, की जो डम्पिंग uh, की एक्टिविटी को एक तरह से चेक करना तो उसके लिए स्पोर्ट कर, करना भी इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया गया एक्सपोर्ट हाउसेज एंड ट्रेडिंग हाउसेज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेस पर जो करंट ईयर की होती थी और प्रीवियस थ्री ईयर की उनको एक साथ देखा जाता था और इसके बेस पर एक्सपोर्ट हाउसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता था जैसे अलग अलग स्टेटस कैटेगरीज़ होती थी जैसे एक्सपोर्ट हाउस है स्टार एक्सपोर्ट हाउस ट्रेडिंग हाउस स्टार ट्रेडिंग हाउस एंड प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस तो जिनका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ट्वेंटी करोड़ रुपीज़ तक का था तो वो एक्सपोर्ट हाउस के कैटेगरी में आते थे जिनका हंड्रेड करोड़ तक का उनको स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी में लिया जाएगा जिनका फाइव हंड्रेड तक का एक्सपोर्ट है उनको ट्रेडिंग हाउस की कैटेगरी में और जिनका नी फाइव हंड्रेड तक करोड़ तक का एक्सपोर्ट है उनको स्टार ट्रेडिंग हाउस की कैटेगरी में लेना और जिनका सेवेंटी फाइव हंड्रेड करोड़ तक का एक्सपोर्ट है तो उनको प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस की कैटेगरी में लेना था और ये जो स्टेटस uh, हाउसेस जो थे जिनको uh, ये एलिजिबल थे इनको बैंक गारंटी लेने में एग्जम्पन थी इनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट को क्लियर करवाना इनके लिए बहुत ज़्यादा इजी था और इनको कई तरह के टैक्स से बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते थे एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कैपिटल गुड्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी एक स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया जिसमें जीरो ड्यूटी ई पी स्कीम और थ्री ड्यूटी ई पी स्कीम को इंक्लूड किया गया है नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इस्टेब्लिश किए गए जिनका बेसिक मोटिव एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था तो इनको कई तरह के बेनिफिट दिए जाते थे जैसे सी एस टी की रिमबर्समेंट करना इनको एक्साइज ड्यूटी से पे करने में एग्जम्पशन थी अगर ये सर्विस टैक्स पे कर देते थे तो उनको रिफंड होता था इनकम टैक्स से एग्जम्पशन वगैरह इनको प्रोवाइड करना मैनुफेक् जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो गुड्स हैं जो रिजर्व होती है उस एक्टर के लिए अगर उनको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेने से इनको एक्जम्पन होती थी तो कुछ ऐसे बेनिफिट थे जो इन ईओयू को प्रोवाइड किए गए इस पॉलिसी के अंडर देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इनको स्टेब्लिश किया गया तो ये कुछ ऐसे एरियाज होते थे जिसमें स्पेशल इकनॉमिक जोन को का बेसिक पर्पज़ था एक्सपोर्ट को प्रमोट करना इन पर्टिकुलर एरियाज से तो इसमें कई तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इनको दी जाती थी एस को टैक्स में कंसेशन मिलता था मिलना और कस्टम ड्यूटी में एग्जम्पन मिलना एक्साइज ड्यूटी में एग्जम्पन मिलना तो ये सारे जो बेनिफिट हैं वो इनको प्रोवाइड किए जाते हैं तो इसको इंक्लूड किया गया इस पॉलिसी के अंदर देन फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड एंड फेयर हाउसिंग जोन इसको स्ट्रोंग बनाना भी इस पॉलिसी का बेसिक मोटिव था देन प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना जो अलग अलग बहुत सारी रिटर्न वगैरह फाइल करनी होती थी फॉरेन ट्रेड के लिए तो उसको रिड्यूस किया गया फॉर्म को सिंपलीफाई किया गया ग्रीवेंसिस को दूर करने के लिए रिड्रेसल सेल बनाए बनाना इसके अंदर इंक्लूड किया गया एक्सपोर्ट कार्गो का फिजिकल एग्जामिनेशन करना डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना एक्सपोर्टर इम्पोर्टर कोड को रिसीव करने के लिए जो फ़ी पे करनी पड़ती थी तो उसको रिड्यूस किया गया आयात निर्यात फॉर्म इसको लॉन्च किया गया कि आयात निर्यात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कॉमन फॉर्म था जिसको फिल करने की ज़रूरत होती थी तो ये जो सारे प्रोविज़न है वो इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किए गए अब हम लास्ट में बात करते हैं इस पॉलिसी के इवेलुएशन के ये जो पॉलिसी थी टू में वो उस टाइम अनाउंस की गई थी जब जो पूरी वर्ल्ड इकोनमी थी वो इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम से गुजर रही थी और हर एक इकोनॉमी का जो फॉरेन ट्रेड था वो ऑलमोस्ट कम होता जा रहा था तो अगर हम इस पॉलिसी की बात करें तो इसके अंदर जो जो अचीवमेंट्स uh, हुई हैं इस पॉलिसी की तो वो क्या क्या है सबसे पहला तो कॉम्प्रीहेंसिव अभी हमने समझा कि जो पॉलिसी थी इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर को इंक्लूड किया गया था इसलिए हम कह सकते हैं कि बाय नेचर ये जो पॉलिसी थी वो कॉम्प्रीहेंसिव थी इसमें ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर को इंक्लूड किया गया इकॉनमी के चाहे वो एग्रीकल्चर था या मराइन सेक्टर था स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे सर्विस सेक्टर था हैंडीक्राफ्ट था एग्रीकल्चर इन सब को इंक्लूड किया गया इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड इसकी वजह से जो फॉरेन ट्रेड था वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ काफ़ी सारा इंक्रीमेंट हम इसमें देख सकते हैं इंक्रीजिंग शेयर इन मर्कटाइज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट ट्रेड इंडिया का जो वर्ल्ड के अंदर रैंक था मर्केंटाइज एक्सपोर्ट ट्रेड में जो पहले ट्वेंटी सेवन था टू थाउजेंड एट में वो इम्प्रूव होकर नाइनटीन टू uh, थाउजेंड फोर्टीन में वो नाइनटीन हो गया इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंडिया का सर्विस सेक्टर इसने भी ग्रो किया है इंडिया का जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज़ में जो रैंक था टू थाउजेंड में वो एट था मतलब ये इंक्रीज हुआ काफ़ी हद तक स्ट्रेंथनिंग स्पेशल इकनॉमिक जोन बिज़नेस यूनिट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जिनको सेटअप किया गया था तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया देन डाइवर्सीफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन uh, हुआ मतलब इसके अंदर जो मेन फोकस था फोकस प्रोडक्ट स्कीम और फोकस मार्केट स्कीम इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया जिससे पूरे वर्ल्ड के अंदर uh, हमारा जो एक्सपोर्ट था उसको डाइवर्सीफाई किया गया देन प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन एक्सिम पॉलिसी को सिम्प्लीफाई किया गया इधर वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था फॉर्म से रिलेटेड था ऑनलाइन सबमिशन वगैरह को प्रमोट किया गया डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ऑनलाइन करने में हेल्प की गई तो इससे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों की हेल्प हुई है तो ये सारे जो थे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हम कह सकते हैं कि आफ्टर इफेक्ट थे टू थाउजेंड सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉरन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया टू थाउजेंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो